गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और बड़े दिनों बाद हम व्लॉग बना रहे हैं आज, और काफ़ी दिन हो गए मुझे डेली व्लॉग बनाने के लिए। तो हमने सोचा कि आज तो बनाते हैं। तो सुबह के बजे 8:30 और अभी अभी उठे हैं। ठंड बढ़ गई है, बीच में गर्मी बढ़ गई थी, अब ठंड शाम को लगने लगती है, शाम से लगे सुबह तक, फिर सुबह थोड़ी गर्मी लगती है। कोई नहीं, तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सब बहुत बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ में। जिसने भी डाइजेस्टिव बिस्किट इन्वेंट किया ना भाई, बेस्ट। मतलब बंदे ने बहुत अच्छा वाला प्लान करके मस्त इन्वेंट किया है। ये हमेशा अच्छे लगते हैं ये वाले बिस्किट। मतलब कोई भी कंपनी को, ऐसा नहीं है कि इसी कंपनी के, कोई भी कंपनी के आप डाइजेस्टिव खाओगे तो आपको अच्छे लगेंगे। चाय के साथ तो मज़ा आ जाता है। ये देख लो भाई, चिड़िया हमारे यहाँ तो होती है, है? कुछ लोग बोलते कि चिड़िया गायब हो गई है उनके शहरों से, उनके गांवों से। हमारे यहाँ पे तो है भाई, गर्मी बनाती है। इनके लिए घर लेके आए हैं हम बाहर से, वो आज लगाना है तो वो भी लगा देंगे। ये देख लो भाई, दाने खाने आती है सुबह सुबह रोज। तोते भी आते हैं लेकिन आज तोते आए नहीं है, या तो सुबह आके चलेगा कि हम लेट है भाई। वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आप लोग शॉक हो गए शायद मेरा चेहरा देख के कि ये क्या हो गया भाई। लेकिन भाई ये बहुत ज़रूरी था, मैंने पिछले बार क्लीन शेव लॉकडाउन में की थी तो अब जाके कर रहा हूँ, बट इट वॉज मच नीडेड क्योंकि बहुत इरिटेशन हो रही थी, मतलब इचिंग हो रही थी और सब हो रहा था और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और मेरी जो बियर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़क आती है, तो उसको कुछ देर कुछ टाइम के बाद उसको क्लीन शेव करना बहुत ज़रूरी है। ये तो घर की खेती है, वापस आ ही जाएगी, बट चलो अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद ऐसे, मतलब रिलैक्स लग रहा है। बट कोई नहीं, तो आज का दिन जो है वो बहुत ही बढ़िया, और आज हम कुछ अलग तरीके से बातें करने वाला है। तो बात क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। वाह 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 भाई, लहसुन आ गया है हरा वाला, तो अब इसकी जो चटनी बनेगी ना, अब मज़ा आने वाला है। तो अभी कर लेते हैं फिलहाल लंच, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि लंच में आज क्या है मुझे पता नहीं है। जो भी होगा वो थाली में आएगा तब देखेंगे भाई। तो खा लेते हैं पहले, फिर बातें करते हैं। हे गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाले हैं, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मैंने शादियां देखी है, और शादी में मैंने बहुत सारी विदाई देखी है। जो विदाई का वक्त होता है ना, तो वो जो एक वक्त है ना यार, वो लड़के कभी नहीं समझ सकते। मतलब आप, हम लड़के जो है वो जो विदाई, मतलब एक आपको अपने घर छोड़ के आपको एक दूसरे के घर जाके एडजस्ट होना है, उनके हिसाब से, उनके लाइफ के हिसाब से, उनके घर के रूल्स के हिसाब से। शुरुआत में तो एडजस्ट होना ही है, हालांकि आप 4-5 साल के बाद एक अलग माहौल बन जाता है। बट अगर आपको कोई बोले कि यार आपको किसी और के साथ लाइफ अब बितानी है, उसके घर जाके उसके फैमिली के साथ अपने फैमिली को छोड़ के, तो वो बड़ी ही दिक्कत वाली बात होगी यार। मतलब है ना, वो सब नहीं कर पाते। तो भगवान ने शायद लड़कियों को एक अलग से हिम्मत दी है, ताकत दी है। बट ये सब के बीच और एक इम्पोर्टेंट बात है कि विदाई में लड़कियां जो है वो सबसे ज्यादा अपने पिता को मिलकर रोती है, क्योंकि पता नहीं वो मोमेंट क्या है क्या नहीं, वो फीलिंग्स क्या है वो हम नहीं जानते। तो वो जो बाप की जो हालत होती है, मतलब बाप बहुत, हम बोलते हैं ना कि यार मर्द बहुत कम रोता है, लेकिन जो बाप होता है ना, वो उस वक्त अपने आप को कभी रोक नहीं सकता है, वो बहुत रोता है। और तो मुझे लगा कि यार एक टिपिकल हिंदुस्तान में बाप कैसे होते हैं, है ना। तो मुझे, मैं थोड़ा, मैंने बोला सोचा कि मैं थोड़ा सोच लूँ और आपको भी, आपके साथ भी थोड़ा बात करूँ, शेयर करूँ आपके साथ कि टिपिकल हिंदुस्तानी बाप कैसे होते हैं, क्योंकि आप भी ये रिलेट कर पाएंगे मुझे पता है ना। तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका हम सोचे कि एक टिपिकल हिंदुस्तानी बाप कैसा होता है ना। तो एक टिपिकल हिंदुस्तानी बाप वो होता है जो अपने बेटे की मतलब किसी फंक्शन के लिए, किसी स्पोर्ट्स के लिए, या उसको कहीं जाना हो तो उसके लिए वो 8-9 हज़ार रुपए के जूते लाके उसको दे देगा, है ना। भले ही खुद वो अपने जूते 100 बार स्टिच करा के वही 2-2 साल 5 साल तक चलाएगा, है ना। तो टिपिकल हिंदुस्तानी बाप ये होता है ना।
अपने बेटे या बेटी के किसी फंक्शन के लिए, मतलब किसी, मतलब समझ लो वो जॉब लग गया है या उसको कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है, कोई शो है उसका, तो उसके लिए वो खुद रेमंड के शोरूम में से, बड़े बड़े महंगे शोरूम में जाके उसके लिए कपड़े लेगा, भले ही खुद वो 10 साल पुरानी शर्ट और पैंट पहन के आज भी घूमते हैं। तो ये होता है टिपिकल हिंदुस्तानी बाप। टिपिकल हिंदुस्तानी बाप वो भी है जो खुद सैकड़ों मील चल लेता है भाई, है ना, क्योंकि रिक्शा के पैसे बचा के लिए, और वही पैसे वो अपने बच्चों को पॉकेट मनी या उनकी कुछ चीजें लाने के लिए वो उनको देता है। तो टिपिकल हिंदुस्तानी बाप ये होता है ना, वो खुद अपने बच्चों को सबसे महंगा, सबसे अच्छा और लेटेस्ट स्मार्टफोन ला के देता है, भले खुद वही पुराना नोकिया वाला, मतलब है ना 3510 वाला जो था, 3310 था, वो पुराना यूज करते रहते हैं बटन वाला, है? बट अपने बच्चों को सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन दिलाने की कोशिश करते हैं और देते भी है कि नहीं। टिपिकल हिंदुस्तानी बाप वो होता है जो उसने अपनी ट्रीटमेंट के लिए या अपने किसी काम के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए होते हैं, वो पैसे भी वो अपने बच्चों को दे देता है ताकि वो एक नया लैपटॉप ले सके अपने काम के लिए, अपने कॉलेज के लिए, जो भी उसको काम हो। अगर उसने एक बार बोल दिया कि मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे काम है, तो अपनी अपने लिए जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं वो भी खुशी खुशी दे देते हैं बच्चों की चीजें लाने के लिए। तो ये होता है एक टिपिकल हिंदुस्तानी बाप, है ना। टिपिकल हिंदुस्तानी बाप एक ये भी होता है कि वो अपने बच्चों को बड़े से बड़े पकवान खिलाता है ना। उसके बच्चों की अगर इच्छा होगी कि हमको आज रेस्टोरेंट में जाना है, महंगे रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, तो वो बेझिझक ले लेते हैं, और वो खुद भी किसी दिन उसमें एडजस्ट करने के लिए, वो पैसे एडजस्ट करने के लिए वो खुद उपवास कर लेते हैं, है ना, वो अचार या कुछ ऐसे मिर्ची के साथ खाना खा लेते हैं ताकि सब्जी के वो पैसे बचा ले, है? तो ये सब चीजें हैं जो टिपिकल हिंदुस्तानी बाप को बनाती है, और ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है अपने बच्चों के लिए। और टिपिकल हिंदुस्तानी बाप वो भी होता है जो अपने बच्चों की गलतियों पे उनको चिल्लाता है उस पे, हाँ, उनको डांटता है, सब कुछ करता है, लेकिन बच्चों की पीठ के पीछे उनकी तारीफ भी करता है, सामने नहीं करेगा, उनकी पीठ के पीछे किसी और के सामने वो अपने बच्चों की तारीफ भी करता है। टिपिकल हिंदुस्तानी बाप वो होता है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी उनका कलीग हो गया या उनका कोई भी पड़ोसी हो गया या कोई भी रिलेटिव्स हो गया, अगर उनको ये बोल दे कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है ना, बहुत अच्छे है, तो उनको इतना ज्यादा प्राउड होता है कि आप सोच नहीं सकते, वो आपको बताती नहीं है कभी भी, है? बट वो मनी मन आप पे इतना प्राउड करते हैं, इतने खुश होते हैं ना वो आपसे कि आप सोच नहीं सकते। ये एक टिपिकल हिंदुस्तानी बाप है जो शेयर नहीं करता है आपके साथ ज्यादा बहुत कुछ, हाँ, बट वो फील सब करता है। टिपिकल हिंदुस्तानी बाप वो भी है जो आपको दिखाएगा कि यार उसको कुछ, मतलब वो केयर नहीं करते, आपको ऐसा लगेगा कि पापा तो आते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, है? बट उनको आपकी, मतलब उनको उनके बच्चे की छोटी सी छोटी डिटेल उनको पता होती है। अगर किसी दिन आपको बता दिया ना, तो आप शॉक हो जाओगे कि ये सब चीजें आपके बारे में आपके पापा को पता है, आपने कभी उनको बताई नहीं है, बट उनको पता होती है। ये टिपिकली हिंदुस्तानी बाप है, समझे कि नहीं। टिपिकल हिंदुस्तानी बाप वो भी है जो अगर अपने बच्चे बीमार हो जाए तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाके चले जाते हैं, उनके लिए उनको सब कुछ बेचना पड़े, है? वो चले जाते हैं वहां पे, है? लेकिन अगर खुद बीमार हो गए या अपनी बीवी भी बीमार हो गई, तो उनको एडजस्ट करने को बोल देंगे कि यार अगले महीने करवा लेंगे दवाई, है? किसी और दिन दवाई करा लेंगे, घरेलू उपचार कर लेंगे, जो सही भी। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अपने बच्चों के लिए वो ऐसा सोचता है। एक टिपिकल हिंदुस्तानी बाप जो होता है वो अपने बच्चे के बारे में बहुत कुछ सोचता है जो आप और मैं समझ भी नहीं सकते या सोच भी नहीं सकते। टिपिकल हिंदुस्तानी बाप का एक और टिपिकल हिंदुस्तानी बाप कैसे होता है यार, मतलब कितने क्यूट होते हैं, मतलब उनकी जो चीजें ना छोटी छोटी एक्ट जो उनके होते हैं, तो अगर उनका बच्चा, उनकी बेटी अगर साथ में हो उनके और कहीं जाना हो ना, तो वो रिक्शा वाले को 150-200 रुपये भी दे देते हैं, है? फिर वो कभी जब अकेले हो गए ना, तो एडजस्ट करने के लिए वो खुद पैदल चल के चले जाएंगे, बट जब भी बेटा या बेटी अपने साथ है तो उसको चलने के लिए मजबूर नहीं करते, उसके लिए वो 100 नहीं तो 200 रुपये देना पड़े तो दे देते हैं, है ना। और एक टिपिकल हिंदुस्तानी बाप वो है जो बहुत सारी रातें चैन की नींद नहीं सोया,
ये देखने के लिए कि उसके बच्चे शांति से सो रहे हैं या नहीं। हाँ, ऐसी बहुत सी रातें होगी जो टिपिकल एक जो एक हिंदुस्तानी बाप मतलब अपनी सेक्रीफाइसेस किसी को बताता नहीं है कभी, बच्चों को तो कभी नहीं बताता है। और देखिए मैं ये टिपिकली हिंदुस्तानी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे और दूसरे देश के लोगों के पिता के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंस है हमारे कल्चर में, हमारी हमारे संस्कार बोलो या कुछ भी बोलो, बहुत डिफरेंस है। मैंने अभी एक सुना था कि किसी को एक बंदे को फॉरेन में उसको किसी ने पूछा कि भाई तुम तुमने शादी की है कि नहीं, तो बोले नहीं 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 मैंने शादी नहीं किया, मैं सिंगल हूँ, मैं अपने मॉम डैड का ख्याल रख रहा हूँ, मैं अपनी मॉम का ख्याल रखता हूँ। तो लोगों ने तालियां बजाई वहां पे कि यार क्या बनता है, मतलब शादी नहीं की उसने अपने मॉम की देख रेख करने के लिए। है तो वहां के लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात है, हमारे देश के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए तो हमारा ये फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। अगर आप नहीं करते हो अपने माँ बाप की सेवा तो आप मूर्ख हो, है ना, तो आप गलत हो। तो हमारे लिए ये कोई ऐसी तारीफ जुटाने वाली बात नहीं है कि भाई हाँ मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रखता हूँ, मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। भाई वो तेरा फर्ज है तो इसलिए कर रहा है ना, उसमें कोई उपकार नहीं कर रहा है, तो उतना कोई एहसान कर रहा है। तो ऐसी चीज है, क्योंकि मैं इसलिए टिपिकल हिंदुस्तानी बाप ही वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि वहां पे तो क्या है कि आप 18-19 के हो गए तो बाप बोलता है बेटा चले जाओ, है अब तुम देखो और तुम जो करना है करो, तुम अपने हिसाब से करो, अब हम हमारी लाइफ जियेंगे, तुम तुम्हारी लाइफ जियो। हालांकि वो लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया, मतलब क्रिसमस आ गया, हेलोवीन आ गया, तो वो सब, बट डिफरेंस बहुत है, आप समझ रहे हो ना। हमारे लिए फैमिली बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारे यहाँ पे, उनपे यहाँ पे मतलब ठीक है अपनी अपनी लाइफ जी वैसा है। तो ये सब चीज है, तो टिपिकल हिंदुस्तानी बाप। वैसे कहने को तो बहुत कुछ है यार, मतलब टॉपिक बहुत बड़ा है ना। कभी किसी ने ज्यादा बातें नहीं की है इस टॉपिक पे, हमेशा हम माँ के ऊपर ज्यादा बातें करते हैं, माँ के ऊपर सबसे ज्यादा लिखा हुआ है। सॉरी, बट एक जो बाप होता है ना यार, मतलब उससे आप क्या बोलोगे, है ना, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो कभी जताते नहीं है, वो कभी दिखाते नहीं है। और अगर लिखने बैठो गिनने बैठो तो बहुत कुछ कम पड़ जाएगा। तो बस यही बात थी मेरे दिमाग में, जो क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी अभी देखे, बहुत सारे पिता जो अपनी बेटी को विदा करते इतने रोते थे, तो मुझे लगा कि यार उनके लिए कितनी डिफिकल्ट बात होगी ये, कि जिस बच्ची को उन्होंने पाल पोस कितना बड़ा किया है और अब वो उनको छोड़ के चली जाएगी और उस पर उनका इतना हक नहीं रहता है ना। तो ये सब चीज है। तो आई होप कि आप सब भी अपने अपने डैड के बारे में कुछ, अगर कुछ है आपके और आपके डैड के बीच में। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि मैं देखो, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ कि वो पिता सही ही होते हैं या नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखे, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हमने ये देखा है कि एक बाप ने ऐसे ऐसे कृत्य किए हुए हैं जो माफी के लायक भी नहीं होते, है ना। तो ये सब चीजें भी है, बट हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी पॉजिटिव चीजों की ही बात कर रहे हैं, है ना, हम क्यों नेगेटिव चीजों की भी बात करें। तो बस यही बात थी जो मुझे आप सब लोगों से शेयर करनी थी, और आप मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं आप रिलेट कर रहे हो इस चीज से, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपके हिसाब से भी कोई ऐसी चीज है कि टिपिकल हिंदुस्तानी बाप कैसा होता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और तो फिर मिलते ही रहेंगे, ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये टॉप ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना ना भूलें। तो हम जल्द से जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी आज से कि मैं जल्द डेली व्लॉग शूट करूँ कुछ ना कुछ टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तो बातें भी हो जाएगी और व्लॉग भी मजेदार हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, और बस अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, आसपास लोगों का ख्याल रखें, जानवरों का ख्याल रखें, है ना। बाय बाय, राम राम।